वायरसेस को हम स्टडी कर रहे थे, आज का जो हमारा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक एक करके पढ़ते हैं, पहले हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन। जिस तरह से हमारे पास बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं, इसी तरह वायरसेस की क्लासिफिकेशन के लिए एक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि एक साइंटिस्ट है डेविड बाल्टीमोर जिन्होंने प्रपोज किया था। इसको मैं लिख देती हूँ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम के मुताबिक जितने भी हमारे पास वायरसेस हैं, जो नॉन वायरसेस हैं जिनको हम जानते हैं, उन सबको हम 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो 7 ग्रुप्स हैं हम इनको रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में शो करते हैं, रोमन नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं ये शो करते हैं हर एक ग्रुप को, और तमाम वायरसेस जिनको हम जानते हैं हम इन तमाम वायरसेस को इन 7 ग्रुप्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब इन नंबरों से या फिर इन ग्रुप्स से फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि हम क्योंकि इनको क्लासिफाई कर लेते हैं तो इनको स्टडी करना इजी हो जाता है। एक तरह के या सेम टाइप के जो वायरसेस होते हैं वो सेम ग्रुप के अंदर प्लेस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 के अंदर कौन से वायरसेस आएंगे? ग्रुप 1 के अंदर हम कहते हैं कि जितने भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जितने भी वायरसेस जिनके अंदर जो उनका डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। स्ट्रैंडेड का मतलब है इस तरह से स्ट्रैंड्स होते हैं वायरसेस के अंदर डीएनए के, तो जब हम इस तरह से एक डबल स्ट्रैंडेड वायरस होगा तो वो वायरस ग्रुप 1 के अंदर आ जाएगा। इसी तरह ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, ये ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 की जब हम बात करते हैं ग्रुप 2 के अंदर कौन से वायरसेस आएंगे? वो वायरसेस होंगे जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनेंगे, जिनके अंदर डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड पाया जाएगा, वो तमाम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस ग्रुप 2 के अंदर आएंगे। और इसकी जो एक एग्जांपल है वो हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को आज हम उसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और लेटर अपने बाकी लेक्चर्स के अंदर हम बैक्टीरियोफेज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसके एग्जांपल। इसी तरह जो थर्ड ग्रुप है हमारे पास, थर्ड ग्रुप के अंदर वो वाले वायरसेस आते हैं जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो थर्ड ग्रुप है हमारे पास उसके अंदर कौन से वायरसेस होंगे? वो वायरसेस जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रुप फोर के अंदर क्या होगा? ग्रुप फोर के अंदर वो वाले वायरसेस होंगे जिनके अंदर पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाई जाती है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस सी, इसका जो वायरस है वो ग्रुप 4 के अंदर आता है। इसके आगे अगर हम चलें तो ग्रुप 5 के अंदर जो वायरसेस आते हैं इसके अंदर वो वायरसेस होते हैं जो कि नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। इसके अंदर हमने देखा था पॉजिटिव और ग्रुप 5 के अंदर नेगेटिव सेंस भी इसको हम कहते हैं, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वो वायरसेस जिनके अंदर आरएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा तो वो ग्रुप 5 के अंदर आएंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो फ्लू का वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा का वायरस, वो इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा मीजल्स, मम्स, बच्चों को जो अक्सर बीमारियां हो जाती हैं, मम्स हैं, एंड रेबीज ऑफ कोर्स, जिसे हम कहते हैं कि डॉग के काटने से, कुत्ते के काटने से जो बीमारी हो जाती है रेबीज, तो ये तमाम जो वायरसेस हैं वो ग्रुप 5 के अंदर आ जाते हैं। ग्रुप 6 के अंदर कौन से वायरसेस आएंगे? ग्रुप 6 के अंदर वो वायरसेस आएंगे जिनके अंदर डिप्लॉयड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, डिप्लॉयड सिंगल
स्ट्रैंडेड आरएनए। तो तमाम वो वायरसेस जिनके अंदर डिप्लोइड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो उसे हम कहेंगे कि वो ग्रुप सिक्स के अंदर आ जाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग, एक और वर्ड आप इसके साथ ऐड कर लें, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग। इन टर्म्स को आप डिटेल में बाद में देखेंगे। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डिप्लोइड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड जो है वो इनके अंदर पाया जाएगा। और इसकी अगर हम एग्जांपल को देखें तो एचआईवी जो हमारे पास बीमारी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एचआईवी, वो इसकी एक एग्जांपल है। एचआईवी के वायरस को आज हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और लेटर अपने लेक्चर्स के अंदर एचआईवी वायरस के को डिटेल में देखेंगे किस तरह से ये एक्ट करता है। तो ये हो गया ग्रुप सिक्स। ग्रुप सेवन के अंदर जो कि लास्ट ग्रुप है वायरसेस का, वायरसेस की क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर जो वायरसेस आते हैं वो हैं जी हमारे पास सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दो स्ट्रैंड्स होंगे डीएनए के और वो सर्कुलर फॉर्म में होंगे तो वो हमारे पास ग्रुप सेवन के अंदर आ जाएंगे। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है, वो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो ग्रुप सेवन के अंदर आता है। तो ये हमने देख ली क्लासिफिकेशन, देख ली हमने वायरसेस की कि जितने भी वायरसेस हम उनको सेवन ग्रुप्स में किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी राइटिंग यहाँ बहुत बुरी हो रही है। Anyways, moving on to next part, that is structure of viruses. Viruses के structure को हम देखेंगे detail में कि viruses का structure किस तरह से होता है। सबसे पहले हम एक heading बना लेते हैं, structure of viruses। सबसे पहले तो हम एक जनरलाइज्ड सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वायरसेस का एक जनरल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, फिर हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे डिफरेंट तरह के वायरसेस की, जिसमें बैक्टीरियोफेज आ जाता है हमारे पास और बाकी मजीद और तरह के वायरसेस भी आ जाते हैं। अच्छा, जहाँ क्लासिफिकेशन की हमने बात की वहाँ कुछ बातें आप और ऐड कर लीजिए, बल्कि स्ट्रक्चर को हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक और क्लासिफिकेशन को अगर देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट हम कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जिसके ऊपर वायरस जाके स्टे करता है और फिर कोई ना कोई डिजीज कॉज करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट की बेसिस पर देखें तो भी हम वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ब्रॉड सी हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगी उस केस में। होस्ट क्या हो सकते हैं? होस्ट हमारे पास या तो कोई प्लांट हो सकता है, या फिर कोई एनिमल हो सकता है, या फिर हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया भी एक होस्ट है। ठीक है, तो जो ऐसे वायरसेस जो कि प्लांट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिजीज कॉज करते हैं, हम उनको एक क्लास एक ग्रुप के अंदर डाल देंगे। फिर जो वायरसेस जो एनिमल्स के ऊपर एक्ट करते हैं, एनिमल्स के ऊपर जाके अटैच होते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं, वो हमारे पास एनिमल वाले ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। और जो थर्ड टाइप है, जो वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं, तो जो वायरसेस बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं उनको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, हम उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब बेसिकली होता है कि ईट करना, एंगल्फ करना। ठीक है, ईटर्स। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच होता है और बैक्टीरिया को फिर अटैक करता है। प्लांट वायरसेस हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, टबैको मोज़ेक वायरस, जब हमने बात की थी कि टबैको मोज़ेक वायरस को फर्स्ट टाइम जब क्रिस्टलाइज किया गया तो ये टबैको मोज़ेक का जो वायरस है ये प्लांट्स के ऊपर एक्ट करता है। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस है, एनिमल्स के अंदर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट के ऊपर अगर हम होस्ट के बेसिस पे क्लासिफाई करें वायरसेस को, तो इस तरह से हमारे पास तीन कैटेगरीज बन जाती हैं। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। वायरसेस का जो जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम ओवरऑल वायरस के पूरे वायरस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वायरस, इस वायरस को हम दो पार्ट्स के स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं कोर और दूसरे को हम कहते हैं लेट्स सपोज हम इसको यहाँ पे कोट कह देते हैं, इसको
और नामों से भी जाना जाता है, और कोर और कोट। ठीक है, कोर जो है वो बेसिकली वायरस का इनसाइड का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अलावा एंजाइम्स हो सकते हैं, आरएनए हो सकता है, और कुछ पार्ट जो है वो प्रोटीन का भी हो सकता है। कोट जो है वो आउटर कवरिंग है वायरस की, और कोट किससे मिलके बनी है, कोट जो है वो प्रोटीन से मिलके बनती है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो फॉर एग्जांपल मिडल में हमने कहा कि हमारे पास है कोर, कोर जो है वो डीएनए हो सकता है, कोई ना कोई डीएनए के स्ट्रैंड होंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होगी जिसे मैंने कह दिया कि वो है कोट, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, इसके लिए एक अलग से नाम होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, और ये किससे मिलकर बनी है, ये एक प्रोटीन की कोट है। इस कैप्सिड के बाहर कुछ केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस, कुछ केसेस में हमारे पास एक और लेयर आती है, एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एनवेलप, एनवेलप जैसे कि खत का लिफाफा होता है ऐसे एनवेलप, और एनवेलप किससे मिलके बने, यह है लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स। अच्छा, तो ये हमारे पास एक जनरल हमने एक शेप बना ली कि वायरसेस जो हैं उनके अंदर ये तीन चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स जब हम स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे तो हम मजीद देखेंगे कि किस किस तरह से मजीद और क्या क्या चीजें होती हैं वायरसेस के अंदर। एक चीज हम यहीं पे देख लेते हैं, जो कैप्सिड का मैंने नाम लिया है, ये कैप्सिड क्या चीज है। कैप्सिड जो है वो एक प्रोटीन की लेयर है, और ये किस तरह से बनती है, कैप्सिड जो है वो हमारे पास डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से आपस में इकट्ठे जुड़े हुए यूनिट्स होंगे, और ये जो एक एक यूनिट है इसको हम कहते हैं कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर्स। ये जो कैप्सोमेयर्स हैं इनकी, इनका नंबर यानी इनकी जो तादाद है और इनकी जो शेप या फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे हमारे पास वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। एक तो हमने बात कर ली ना कि डीएनए के या आरएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं और इनकी जो शेप है ये डिफर करे, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स बनती है। इसके अलावा हमारे पास ये जो कैप्सिड है या कैप्सोमेयर्स हैं, कैप्सोमेयर्स की जो शेप और इनकी जो तादाद है, इसके बेसिस पे हमारे पास वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। तो ये हमने देख लिया कैप्सिड को। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वायरसेस की, वायरसेस के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ें तो हम उनकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज को, जैसे हमने पहले भी बात की, बैक्टीरियोफेज। और जैसे कि मैंने बताया कि बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। फेज का वर्ड यूज किया जाता है एनगल्फ करने के लिए या ईट करने के लिए। तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज की अगर हम सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने समझने के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है इसके अंदर हम सबसे पहले तो बनाते हैं कोर। ठीक है, इसका कोर इस तरह से है कि यूं करके हमारे पास डीएनए को यूं ऐसे हमने बना लिया। इसके बाहर हमारे पास एक हेक्सागोनल कैप्सिड है, कुछ ऐसी शेप बनेगी इसकी। ऑलराइट, इस तरह से करके इसकी शेप बनेगी, और यहां पे आके हम इसकी टेल बनाएंगे। सिक्स जो है वो हमारे पास टेल पिन्स बन जाएंगी यू। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है एक बैक्टीरियोफेज का। इसके स्ट्रक्चर की आपको मैं एक पिक्चर भी दिखा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये इसकी शेप बनती है। अच्छा जी, अब इसको हम लेबल कर देते हैं ताकि आपके लिए पढ़ने के लिए इजी हो जाए। सबसे जो अंदर की चीजें से मैंने कह दिया कि ये था कोर। ठीक है, ये जो बाहर का पूरा रीजन, इसे हम कहते हैं हेड रीजन, ये इसका हेड है। ठीक है, इसके बाद ये जो छोटा सा रीजन हमारे पास यहाँ पे आते हैं, इसे हम कहते हैं ये था हेड, और ये है हमारे पास इसकी नेक। ठीक है, और ये वाली जो हमारे पास आ गई है ये है इसकी टेल। ऑलराइट, तो ये हमने पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज बना लिया। इसको मजीद अगर हम लेबल करें, हमारे पास यहाँ पे एक प्लेट आती है जिसे हम कहते हैं बेस प्लेट। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज। इसकी अगर आप शेप को देखें तो मैं आपको इसकी एक बेहतर शेप दिखा देती हूँ।
तो ये जनाब आप देख लें, इसको यहाँ पे ये एक बैक्टीरियोफेज की पिक्चर बनी हुई है, जिसमें क्या है कि दरमियान जो कोर है वो डीएनए से मिलके बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास है एक हेड रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि हेक्सागोनल शेप में होगा। उसके बाद एक नेक है, उसका एक कॉलर है, इस एरिया को हम कहते हैं ये है शीथ। और उसके बाद टेल फाइबर्स हैं जो कि है 6 है नंबर में, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमारे पास ये एरिया है, इसे हम कहते हैं कि ये बेस प्लेट है। तो ये हो गया हमारे पास बैक्टीरियोफेज। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वायरस के ऊपर, जो कि है इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास थ्री फॉर्म्स में आता है, थ्री फॉर्म्स ए बी एंड सी, तीन फॉर्म्स आती है हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस की। और ये बनता किस तरह से है, इस तरह से बनता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर हमारे पास आरएनए का स्ट्रैंड होता है, जैसे कि हमने ऊपर क्लासिफिकेशन में भी बात की थी। तो आरएनए का कुछ इस तरह का स्ट्रैंड बनेगा दरमियान में, और इसके ये कोर होगा, और इसके साइड पे हमारे पास जो कैप्सिड है वो होगी कुछ इस फॉर्म की। हमारे पास कैप्सोमेयर्स हैं डिफरेंट, और वो इकट्ठे हुए हुए हैं। सॉरी, मेरी डायग्राम कुछ इतनी अच्छी नहीं बन रही, बट जस्ट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे इस तरह से करके हमारे पास एक कैप्सिड, ढेर सारे कैप्सिड जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और इन कैप्सिड्स के बाहर हमारे पास एक एनवेलप होता है। इसको हम बना देते हैं इस तरह से, ठीक है, एक जनरल आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। इस तरह से करके हमारे पास ये बन गया। इसको अगर हम लेबल करें तो दरमियान में था जी हमारे पास आर एन ए, उसके बाद यहाँ ये हमारे पास कैप्सिड, और कैप्सिड किन दो चीज़ों से मिलके बने हैं, किन चीज़ों से मिलके बने हैं, ये है हमारे पास कैप्सोमेयर्स। और कैप्सोमेयर्स के बाहर जो हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं ये है एनवेलप। तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसकी अगर मैं आपको एक अच्छी वाली पिक्चर दिखा दूँ, वेट अ मिनट जी, तो ये हमारे पास सिमर इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर आप देख सकते हैं कैप्सिड है, आरएनए का जीनोम है, जीनोम जेनेटिक मटेरियल बेसिकली, एनवेलप है इसके बाहर, और फिर ये स्पाइक्स हैं, और ये बेसिकली हमारे पास ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके बाद एक जो थर्ड एग्जाम्पल आज हम देखेंगे वो है एड्स की, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस एड्स। सॉरी, एड्स नहीं, हम इसको कहते हैं एचआईवी कह देते हैं हम इसे, एचआईवी की इंस्टेड ऑफ मेकिंग द शेप, आई थिंक मैं अगर आपको इसकी अच्छी वाली शेप दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे टाइम भी बचेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास एक एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस को अगर आप डिटेल में देखें, एचआईवी वायरस के अंदर जो है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये हमारे पास येलो कलर का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो बाहर इसके कैप्सिड, ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो, इसको रेड से करते हैं, ये जो एक पूरी की पूरी लेयर है ये कैप्सिड की लेयर है। उसके बाद इसके बाहर एक लिपिड की मेम्ब्रेन है, और लिपिड मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल गोल दो हमारे पास नज़र आ रहे हैं इसको, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्ट एज। एज से आपके जहन में एक नाम आ रहा होगा, हमने जब इंजाइम्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि वो तमाम सब्सटेंसेस जिनके एंड पे ए एस ई एज आता है वो होते हैं एंजाइम्स। तो ये हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। कैप्सिड हमने देख लिया, आरएनए है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसके ऊपर हमारे पास स्पाइक्स बने हुए, इनको हम कहते हैं स्पाइक्स, ठीक है। ये जो स्पाइक्स हैं ये किससे मिलके बने, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने। तो ये हमारे पास बन गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहीं पे एंड करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा, हमने वायरसेस को क्लासिफाई किया, और हमने देखा कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर वायरसेस को हम 7 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। हर ग्रुप के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे हम वायरसेस को क्लासिफाई करें। उसके बाद हमने देखा कि एक और क्लासिफिकेशन भी हम यूज कर सकते हैं जो कि रिलेटिवली थोड़ी ईजी है, जो के है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। तीन ग्रुप्स में हमने उस तरह से क्लासिफाई कर लिया वायरसेस को।
उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा वायरसेस का, और बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने दो चीजें देखी, एक था कोर और एक था कोट। कोर जो है उसके अंदर डीएनए होता है, एंजाइम होता है, आरएनए भी हो सकता है और प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो कोट है वो प्रोटीन से मिलकर बनी है, कोट के ऊपर मजीद एक और लेयर हो सकती है जिसे हम कहते हैं एनवेलप, और एनवेलप जो है वो लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखी डिफरेंट तरह के वायरसेस की, हमने बैक्टीरियोफेज को देखा, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देखा, फिर उसके बाद हमने इन्फ्लुएंजा वायरस को देखा और इन्फ्लुएंजा वायरस के फिर हमने स्ट्रक्चर को देखा कि किस तरह से वायरस का क्या क्या कैसा स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद हमने एंड पे एक एचआईवी वायरस की शेप देखी और हम देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। एचआईवी वायरस को मजीद डिटेल में अपने एक और लेक्चर के अंदर भी देखेंगे। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैक्टीरियोफेज को देखेंगे और डिटेल में उसके जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है उसको स्टडी करेंगे।